हिला मत, हिला मत, या नहीं हिला मत, हिला मत, सांस बंद करके ले। क्यों जा रहे हैं? हो गया, डन 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 करते नहीं है। Thank you.
Once more, man. Down, down, down. I should shoot with you every month because A, I'm your model size. B, I look good in all your Wait. Bye. Zero. My fixed shot later. Done. Thank you. Thank you.
हिला मत। दादा ये लाइट बंद कर दो, लाइट बंद करना, इसे लाइट सब कवर है। में खाते हो फिर आपस में लड़ते हो, मतलब बिल्कुल जी। प्रश्न पूछिए। विजय सर, सबसे पहले जानना चाहूंगा फोटो शूट के बारे में, व्हाट इज द स्पेसिफिक रीजन एंड क्या कहना चाहेंगे जो नया जो आपका ये फलक कलेक्शन लॉन्च हुआ। तो एक सबसे बड़ी फलक का मतलब है स्टार्स, और हमारी बहुत ही ये खुद किस्मत है कि हम आशिका जी के साथ ये शूट कर रहे हैं। अगर आप देखिए तो इसमें इट इज़ अबाउट स्टार्स, इट इज़ अबाउट बर्स्ट ऑफ डायमंड्स, एंड आजकल की जो ब्राइड्स हैं, आई थिंक आशिका रिप्रेजेंट्स दैट ब्राइड, एंड शी इज़ यंग, शी इज़ फन, शी वांट्स टू हैव फन एट अ वेडिंग। तो जो पहले जो शाई ब्राइड्स थे वो अभी नहीं है, और जितनी भी ज्वेलरी हमने बनाई है उसी हिसाब से बनाई है। एंड शायद आपको मालूम होगा कि आशिका जी और आप ब्राइड रह चुकी हैं, सो इट वॉज़ अ ब्यूटिफुल वेडिंग। एंड आई टोल्ड आशिका की जब हम अपना लॉन्च करेंगे so we will definitely do it with Ashika, and I think we've kept her in mind when we've done this entire collection. Ashika ji, आप समझो क्या पिक कर रही हैं ब्रांड सब्सिट्यूट क्या हो जाएगा। विजय जी ने जो अभी सारी बातें बताई ये बहुत अच्छी है, लेकिन मैं सच अब बताती हूँ आपको। सच ये है कि मैं चाहती थी कि ये शूट हो। मैं आजकल के पीछे पड़ा हुआ था। नहीं, मैं चाहती थी ये शूट हो, क्योंकि सबसे पहली बात ऑफ कोर्स विद द लव ऑफ ज्वेलरी and how it resonates with the youth and younger generation of women. We don't resonate with designs that were made a couple of years ago, what our mothers wore. But I think what Aura has done is made designs in a way that you feel like you're wearing something really pretty, and at the same time it means something to you. And not only that, not only because that I was Aura bride myself, but I think I wanted all these diamonds on me, so I told him to shoot with First, diamond kitna pasand hai aapko, jewelry kitna shauk hai? See, mujhe acha lagta hai ki jab mujhe koi diamond se lad deta hai, jaise Vijay ji, to ye aise shoots hote rahe mahine mein har baar, inke cover pe main aati rahu, inki brand endorsements main karti rahu, inke zaverat main pehnti rahu, bas yahi meri ichha hai. Nahi, I have to say Ashika ji aur brand jab Aura ke showroom mein gaye the, I did not know कि आशिका जी शोरूम में है। मेरे मैनेजर ने फ़ोन करके कहा
एंड आई कॉल्ड अप आशका एंड आई सेड आशका जी व्हाई डिड यू नॉट टेल मी कि आप मेरे शोरूम में हैं. सो यू नो ऐसी काफ़ी किस्से हैं ड्यूरिंग द एंटायर वेडिंग, बट इट वॉज अ ह्यूज प्राइड फॉर बोथ ऑफ देम. एंड आई हैव नोन आशका फॉर द लास्ट 10 ईयर्स एटलीस्ट. But my association with Aura is almost 14 years because I remember back in 2004-05 I won an award and the award ka jo price tha wo ye tha that you can encash jewelry from Aura for about 1 lakh rupees. And I think from ever since if there were diamonds for me, it was Aura for me. So Vijay ji, you came in my life late, Aura came in my life first. ओके आज का फोटोशूट का एक्सपीरियंस कैसा था, क्योंकि सर ही ज्वेलरी बना रहे हैं और फोटोशूट भी खुद ही कर रहे हैं. एग्जैक्टली. सो आई थिंक अपने बालक की सबसे ज़्यादा खूबसूरत फोटो उसके माँ बाप लेते हैं. सो दिस इज़ लाइक हिज बेबी, दिस इज वॉट ही इज क्रिएटेड, दिस इज वॉट ही लिव्स फॉर हिज कंपनी, फॉर हिज डिज़ाइन. एंड ही हैज़ अ ग्रेट टीम आउट देयर, रूपम एंड एवरी वन मेक दिस ब्रिलियंट इंटीग्रेट डिज़ाइंस. आई थिंक फॉर मी मोस्ट स्पेशल इज़ दैट ही शूटिंग. मैं इसलिए ये मजाक था कि मैं जवेरातों से लदना चाहती थी, बट मैं चाहती थी कि विजय जी मेरे फोटोज़ खींचे. बहुत सारे इंडस्ट्री के ऐसे खूबसूरत चेहरे हैं जिनको विजय जी ऑलरेडी शूट कर चुके हैं, इसलिए मैंने पीछे पड़वा के ऐसा मत बोलिए, आपको और शूट करना है. लेकिन हाँ, ये मेरा शूट है. आई टेक द क्रेडिट दैट आई पुश्ड हिम दैट ही हैज़ टू put me into these lovely beautiful outfits. But you know, one of the interesting part was jab Ashka ki shaadi mein main gaya and they her entire jewelry had been done. I think what Ashka is saying is really correct, is that the today's bride, her taste in what she wants, it is not only about ki bahut paise kharche kare, but the issue is can the jewelry look beautiful. And for a larger part of India, it is how does the design look large, nice and beautiful, and it goes with the outfit you are wearing. So I think there's a significant shift. और आज कोई jewelry बना के locker में नहीं रखना चाहता है. तो if you look at this entire jewelry, ये सब जितने भी ये बात मैं कह रहा हूँ कि जो diamonds है कैसे जुड़े हुए हैं, the brightness of the diamonds, जो आप nut देख रहे हैं तो it is not with a screw. तो अगर if you don't have a nose hole, then it is still okay. You can still wear the nose rings. So I think a lot of this has gone into this piece of jewelry, and I think आशका जी agreeing to shoot for us is really, really nice. एक बार सच बोल दीजिए ना विजय जी, please. My team knows. Please. So I was very nervous when I was going to shoot her. I said I have to live up to her reputation because she's been shot by so many people over the years. I think this will also include into one of my best photo shoots ever. I can't wait for the results. Please एक बार सच बोल दीजिए. मैं सच ही बोलता हूँ. प्लीज एक बार बोलिए ना कि मैंने करवाया ये शूट. नॉट ट्रू. आशका आपकी तो शादी हो गई है, लेकिन अगर ये ज्वेलरी आप इतना दुखी हो गई क्यों, आपकी तो शादी हो गई है, मतलब अच्छी बातें हो गई है. अगर किसी को गिफ्ट करना होगा तो वो कौन होगा, अगर आपके कोई फ्रेंड्स में से? क्या मेरे पति को गिफ्ट? अच्छा ज्वेलरी. ओह गॉड. आई थिंक मेरे जितने भी दोस्त रहे हैं और आई Not from now, for a while now, my little gifts. Anyway, मैं ये मानती हूँ कि तोहफे ऐसे होने चाहिए जो आपको जीवन भर चले, और अगर कभी वक्त आए तो आप उस तोहफे का उपयोग भी कर सकें. And so all my friends, my closest friends, weddings, everybody gets a little piece of aura from me. So yeah, that has been a tradition. Okay, I'm बहुत सुंदर लग रही हूँ ड्रेस में. ड्रेस के बारे में थोड़ा सा ज़्यादा. Thank you. ये ड्रेस once again my favorite designers Pawan and Pranav. मैं हर शूट में उनके आउटफिट्स मेक श्योर करती हूँ कि मैं पहनूँ. एंड आई थिंक टुडे दे हैव रियली कॉम्प्लीमेंटेड द ज्वेलरी एंड आई थिंक वन ऑफ देम इज हियर. थैंक यू. आई लव द आउटफिट. थैंक यू. थैंक यू. ओके मैम, जस्ट वन लास्ट क्वेश्चन. केरल में काफी बाढ़ आई है, तो एनीथिंग यू वांट टू सी टू योर फैन रिगार्डिंग दैट? डोनेशंस, डू डोनेट, बिकॉज लॉट ऑफ फ्लड अफेक्टेड मेनी पीपल स्टैंडर्ड देयर. कैन यू एब्सोल्युटली. मैं ये सभी नेटवर्क के दर्शकों से ये दरख्वास्त करती हूँ कि आपसे जो हो सके, आपकी जितनी क्षमता हो, आप जो करना चाहें केरला के पीड़ितों के लिए करें. आई थिंक ये एक ऐसा समय है जो इंसानों के हाथ में नहीं है. सो आई रियली रिक्वेस्ट के मुझसे जो हो सकता है मैं करूँगी, आपसे जो हो सकता है आप कीजिए. अपने दोस्तों को बताइए, अपने फैमिली को बताइए, जिनसे मदद ले सके उनसे ले. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू.
Nice.